नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत आप सबका धरोहर रेडियो स्टेशन पे। और फिर एक बार हम आए हैं लेकर आपका पसंदीदा संगीतमय कार्यक्रम गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। दोस्तों, हम समझते हैं कि हम आ रहे हैं 2 हफ्ते के अंतराल के बाद, लेकिन हमें यकीन है कि आप सब भी बेचैन थे फिर गुजरे हुए जमाने की यादें ताजा करने। 2 हफ्ते पहले हमने बात की थी मशहूर संगीत निर्देशक श्री रोशन जी के संगीतमय सफर का। अपने नाम के जैसे ही उनका सफर भी संगीत प्रेमियों के जिंदगी में रोशनी की बहार ले आई थी। हमने पिछली बार उनके 50 के दशक के गानों पर ध्यान दिया था, लेकिन 60 के दशक के आते ही इस अलौकिक संगीतकार ने अपनी शैली को इस तरह बदल दिया कि उनके संगीत ने हिंदी फिल्म इतिहास के पन्नों को चांद सा रोशन कर दिया। शास्त्रीय संगीत और लोकगीतों को इस खूबी से उन्होंने अपनाया था कि कामयाबी उनके कदम चूमने में मजबूर हुई। मैं यहां पे श्री आसाद भोपाली जी के चंद लफ्ज उधार लेता हूं और कहता हूं, रोशन तुम ही से दुनिया, रौनक तुम ही जहान की। चलो दोस्तों, रोशन साहब के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे खास और चहेते हिंदी फिल्म म्यूजिक विशेषज्ञ श्री अजित प्रधान जी से फिर एक बार स्वागत है अजित जी आपका इस संगीतमय कार्यक्रम में। नमस्कार दिनेश जी और धरोहर के सभी श्रोताओं का स्वागत है। और जैसे दिनेश ने कहा कि हम लगभग 2 हफ्तों के बाद आ रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां थी। तो यहाँ पर हम रोशन साहब, मधुर संगीत के दाता, उनका पहला पार्ट जो हमने 1960 तक के गीतों के ऊपर प्रकाश डाला था, तो अब यहाँ 60 के बाद के गीतों पर हम बातचीत करेंगे। दिनेश जी, हाँ जी, उनका जैसे आपने सही कहा कि उनकी शैली में थोड़ा पहले था और बरसात की रात के बाद में, और उन्हें जैसे असद भोपाली साहब के जो शब्द कहे कि रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं, तो रौनक वास्तव में बढ़ गई थी क्या बात है। और ये बड़ी थी। मैं यहाँ पर एक 1962 की फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा, हाँ जी, एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस का जिसने एक से एक फिल्में, संगीत में फिल्में बाद में भी, दोस्ती, गीत गाता चल, किच्चौर, सौदागर, प्रिया का घर, जीवन मुक्ति और कई फिल्में हैं संगीत में फिल्में। तो हाँ जी, आप में से जो जानकार है पहचान गए होंगे कि राजश्री मैं किट प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहा हूँ, राजश्री प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन, राजश्री प्रोडक्शन की जो सबसे पहली गीतकार थे हमारे रोशन साहब, क्या बात है। और एक से एक अच्छे गाने थे, और उनमें मधुर साहब की शब्द रचना तो बहुत ही बढ़िया थी। जिसमें लगभग 9 गीत क्या बात है। थे, और उसके खास जो गीत थे जिसमें रफी साहब का एक रोमांटिक गीत तो बहुत ही बढ़िया था, अब क्या मिसाल दूं तुम्हारे सहबाब की, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। और फिर एक डुएट बहुत ही बढ़िया था, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, और उसमें महमूद, राजेंद्रनाथ भी थे, प्रदीप कुमार और मीना कुमारी फैन थे। तो उसमें जो गीत था वो तीर दिल पे तेरा जो तेरू कमान में है, सिक्की के रफी और आशा जी का था, अच्छा जी, महमूद, राजेंद्रनाथ पर भी पिक्चराइज हुआ था। तो ऐसे कुछ गीत थे। और एक और बहुत ही फेमस डुएट है जो हम डुएट सेक्शन में जरूर आपको सुनाएंगे, स्पीकर बाद में करूंगा, क्योंकि हाँ जी, लता जी का एक बेहद खूबसूरत गाना बहुत ही मकबूल हुआ था। तो अब मैं ज्यादा बातें न करके विनय जी, मैं आपसे ये विनती करूंगा कि वो गीत सुनाए, मधुर साहब का लिखा हुआ था, मैं जो सबका लिखा और था। उसके बोल हैं, बहारों की मंजिल राही, कभी तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही। और मीना कुमारी जी पर पिक्चराइज हुआ था, लता जी की मधुर आवाज में और
मधुर संगीत के दाता रोशन साहब की एक बेहतरीन बेहतरीन धुन। मेरे ख्याल से अजीत जी, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना खत्म हो रहा था 1962 का वक्त, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट के कुछ आखिर आखिर की कुछ फिल्मों में शायद इसे गिना जा सकता है। हाँ बिल्कुल, और आपने जैसा कहा राजश्री प्रोडक्शन, कौन नहीं जानता उनका जो काम है हिंदी फिल्म म्यूजिक की बिल्कुल तरफ। जैसे आपने तो 60 के दशक का बात किया, हमारे बहुत सारे श्रोता 90 के दशक के हैं तो जानते हैं कि मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, हम साथ साथ है, ऐसे हाँ बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत फिल्मों से उनका नाता रहा है। और उसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे, मैं जस्ट कहना चाहूँगा, उन्होंने कुछ ऐसे भी एल्बम्स निकाले, जैसे एक मराठी में एक एल्बम है गारवा, जो आपने राजश्री का जो नाम लिया था, गारवा एक ऐसा एल्बम था जो जिसने बारिश के ऊपर पूरा एल्बम था, और मिलिंद इंगले जी का संगीत और गायकी बहुत ही खूबसूरत। ऐसे प्रोडक्शन हाउस के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं और उनकी फिल्मों का गाना आपके सामने लेके आ रहे हैं, कभी तो बिल्कुल मिलेगी, फिल्म का नाम है आरती। Good grammar and spelling. जहां मौत जिंदगी पर हंसती है, वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी। लेकिन कब, कैसे मालूम नहीं, चलो मुझे घर पहुंचा दो। हाँ जी अजीत जी, हम फिर से आए हैं, बहुत क्या ही बात है, खूबसूरत गीत, बहुत ही बिल्कुल क्या मेलेडी है, किस तरह का मेलेडी उन्होंने वापस, जैसा आपने देखा कि शैली बदल गई उनकी और एक अलग सा मेलेडी का एक बहार उन्होंने लेके आया था इसमें। हाँ बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा कि शैली के साथ साथ 1960 के बाद में अगर हम गौर करें, हाँ जी, तो 19 आपका आवाज जरा, पहले जैसे मुकेश जी तलक साहब थे, साथ में रफी भी थे लेकिन रफी कम थे, तो वहां से आरती से और बाद में बरसात, खासकर बाद बरसात की रात से जो रफी साहब उनके प्रमुख हो गए। हाँ जी। और जैसा विनय जी आपने सही कहा कि वो कलर का दौर 1961 के बाद, जंगल के बाद शुरू हुआ था। हाँ जी। तो यहाँ पर एक कलर फिल्म की एक यहाँ पर जिक्र करूंगा, जो एक ऐतिहासिक फिल्म थी 1963 में आई थी, जो बहुत ही रोशन साहब की सबसे मशहूर कहा जाए और उन्हें अवार्ड भी मिले थे, ऐसी ताजमहल फिल्म थी। हाँ जी।
हाँ, जिसके निर्देशक थे एम सादिक, जो खासकर जो मुस्लिम बैकग्राउंड की फिल्में हुआ करती थी उनके जो डायरेक्टर एम सादिक हुआ करते थे। हाँ जी, बीना राय, प्रदीप कुमार, रहमान, जबीन, ऐसी सब बड़ी लंबी अच्छी स्टारकास्ट थी, और उसमें लगभग 10 गीत थे और एक से एक बढ़िया गीत थे। आप में से तो कईयों ने बहुत गीत सुने भी होंगे इसमें। हाँ जी, जो बात तुझमें है तेरी तस्वीर में नहीं है, रोमांटिक गाना रफी साहब की आवाज में था, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे जो हिट गाना था उस वर्ष का 1963 का, जो गीतमाला हुआ करती थी आप सभी जानते हैं, बीना का गीतमाला। अमर लता जी की आवाज में। और इस ताजमहल फिल्म को रोशन साहब को जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है वो इसी फिल्म को मिला था, ताजमहल को। देखिए कितनी मेलोडी है इसमें और मधुरता, हर गीत में मधुरता है इसमें। और भी अच्छे अच्छे गीत थे, पर यहाँ पर हम मैं कहूंगा कि एक और एक पसंदीदा बहुत ही अच्छा गीत है, हाँ, जो पहले हम जो वादा किया सुनेंगे। और विनेश जी, आपका भी बहुत पसंदीदा गीत है मुझे मालूम है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पाँव छूले फूलों को इनायत होगी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत। तो मैं ये चाहूंगा कि ताजमहल के ये दोनों गीत आप सुनाएंगे। तो जो वादा किया वो दो तीन पार्टों में था, एक तो थोड़ा हैप्पी मूड का था, दूसरा थोड़ा सैड मूड का था, और अंत में एको में एक गीत था वो भी। अच्छा। उसका हालांकि रिकॉर्ड नहीं बना, लेकिन एलपी के ऊपर वो अवेलेबल है। अच्छा, एलपी के ऊपर अवेलेबल है, ओके। तो ड्यूएट जो है वो आप जरूर सुनाएंगे, ये दोनों ड्यूएट है, जरूर सुनाएंगे। जो वादा किया और उसके बाद में, और आप कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहिए दिनेश जी, आप भी जानकार हैं। नहीं, जानकार नहीं, इतना ही कहना चाहूंगा कि हम तो ये नहीं जानते कि उस वक्त जब ताजमहल बन रहा था तब ये ऐसे गाने या ऐसी सोच हुआ होगी, लेकिन जरूर है कि ये कलाकार की एक इमेजिनेशन है, उनका जो क्रिएटिव स्किल है कि वो ये सोचता है कि जो जो औरंगजेब था या शाहजहां था या जो उस काल के जो राजा थे, महाराजा थे, वो उस तरह के गाने गा सकते थे। तो ये एक कलाकार की एक सोच है, एक क्रिएटिव लिबर्टी है हम कहते हैं, तो उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी यहाँ पे यूज करके एम्परर से ये गाना गवाया है। बिल्कुल, और साहिर साहब जैसे कभी जबरदस्त शायरी थी। हाँ जी, साहिर साहब को तो हम भूल नहीं सकते, उनका उनका जो लिखना है हमेशा ही काबिले तारीफ रहा है। और ये गीत जरूर हम सब लोगों ने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, और ये गीत अपने श्रोताओं के लिए हम पेश करेंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी, फिल्म का नाम ताजमहल। जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने, जब
अजीत जी, yes, इस गाने में कहना पड़ेगा कि रफी साहब की आवाज और लता दीदी की आवाज इस कदर उस गाने का इधर क्वालिटी है उस गाने का, या जो भी उन्होंने रिकॉर्डिंग किया उस वक्त, बहुत ही खूबसूरत आवाज निकल रही है उनकी। बहुत बहुत खूबसूरत। और जैसे मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने सुना हुआ है, जैसे बड़े गुलाम अली साहब ने कहा था, जैसे लता जी को सुनते थे तो कमबख्त ये बेसुरी नहीं होती, इस कदर उन्होंने कहा था कि क्या आवाज है, क्या उस वो जो फील है जो गाने का। लता जी महाराष्ट्रन है, मराठी फैमिली से बिलोंग करती है, मगर इस कदर उन्होंने अपने उर्दू शायरी में, अपने प्रोनाउंसिएशन में इस कदर अपना मेहनत किया है कि इतना आसानी से वो गा लेती है। काबिले तारीफ लता जी को, रफी साहब को हम बहुत याद करते हैं इस वक्त, बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं अजीत जी, तो आपका पसंदीदा गीत जरूर सुनाइए, पाव सिलने दो। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे अजीत जी? बिल्कुल नहीं, ये भी डुएट उससे बहुत मकबूल हुआ था, लेकिन जो वादा ज्यादा किया था, लेकिन इसका रोमांटिक अंदाज एक अलग ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और साहिर साहब की शायरी गौर से सुने, और मैं हमेशा की तरह हमारे धरोहर के श्रोताओं को कहूंगा, जिन्होंने पूरे गीत नहीं सुने वो जरूर यूट्यूब पर बाद में पूरे गीत सुने शुरू से। तो फिर एक बार ताजमहल फिल्म से ही हम गाना लेके आ रहे हैं आपके लिए, पाँव छू लेने दो फूलों को। बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, इतना रोमांटिक गीत है। और लता जी और फिर एक बार रफी साहब, ताजमहल फिल्म से। को विशी
गुस्ताखी माफ चाहता हूँ अजीत जी, मैंने पूरा गाना नहीं माफी क्या, ये तो हमारे धरोहर श्रोताओं के लिए बहुत अच्छा हो गया कि पूरा गीत आपने गाया, क्योंकि जो शायर थे आपकी शायरी है। हाँ जी, उसमें हाँ। जो लफ्ज है वो आसान उर्दू लफ्ज है लेकिन वो समझने में भी कठिन नहीं है इतने, और जिसको रोशन साहब ने इतने अंदाज में, मधुर अंदाज में उसको पेश किया है, रोमांटिक एक अलग है, रोमांटिक मूड बन जाता है। और शर्म रोके है इधर, शौक उधर रोके हैं, क्या बात है, क्या खबर थी कि इस दिल को, इस दिल की ये हालत होगी। जो जो रोमांस में जो एक हया या शक उसका इजहार उन्होंने साहिर साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया है, उतनी खूबसूरत तर्ज रोशन साहब ने की थी। तो ये डुएट्स में भी मास्टर थे रोशन साहब, जैसे कई संगीतकार होते हैं ना कि उनके सोलो भी ज्यादा अच्छे होते हैं या मेलोडियस होते हैं बनिस्पत की डुएट के, लेकिन रोशन साहब के जितने अच्छे सोलो थे उतनी अच्छे, कहीं मैं ऐसा कहूंगा कि कहीं डुएट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर मैं विनोद जी कुछ डुएट्स का जिक्र करना चाहूंगा और हम हमारे धरोहर के श्रोताओं के लिए अमेरिका की तरह हमारे महेश जी ने ट्रैक भेजा है डुएट्स का। हाँ जी, और जिसमें और एक बात कहूंगा कि शायरी उनको जो शायर गीतकार जो मिले हैं वो बहुत ही मंझे हुए गीतकार मिले, जैसे मजरू साहब के खास गीत है, साहिर साहब के गीत तो है ही। हाँ जी, और प्रेम धवन जी है, जैसे अभी तो हम ये जो सेक्शन हम यहाँ देखेंगे तो पांच गीतों की जो मेडली है। हाँ जी, तो आरती का एक बेहद खूबसूरत डुएट है, बार बार तो है क्या समझाऊं पायल की जनता, तो उसमें रोशन साहब की खासियत यहाँ पर और बताऊंगा। तो उनकी जो कुछ वाद्य थे पसंदीदा, जैसे सारंगी, फ्लूट, मैंडोलिन, तो एक आगे आगे बढ़ती है ना, इंटरल्यूड में आप वो गौर करेंगे। हाँ जी, उसके बाद जिंदगी तो है एक उनकी बहुत हिट फिल्म थी राजकपूर नूतन की, जिसमें शाहिर साहब की शायरी थी। फिर एक फिल्म शम्मी कपूर और जीना राय की आई थी वल्ला क्या बात है, उन्होंने एक भंगड़ा भी दिया था। हाँ जी, तो उसका भी यहाँ पर हम एक झलक सुनाएंगे, प्रेम धवन जी का लिखा हुआ वो भंगड़ा है, क्या बात है। और एक यहाँ पर और एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे रफी साहब हुए या लता जी हुए तो ये प्रमुख आवाजें थी, उनमें कुछ गलत फहमियां कहिए या कुछ किसी एक पॉइंट के ऊपर से, रॉयल्टी के ऊपर से जो उनमें एक वाद हुआ था, वाद विवाद हुआ था राज कपूर साहब, तो कुछ एक दो वर्ष के लिए वो साथ में गाते नहीं थे। तो उस दौरान रफी साहब, सुमन कल्याण पवन या रफी साहब और आशा जी के ड्यूएट कई संगीतकारों दिए, जैसे रोशन साहब ने बड़े जी का बेहद खूबसूरत ड्यूएट है, आप सुनेंगे। हाँ जी। ऐसे तो ना देखो कि बहक जाए कहीं हम, आखिर को एक इंसान है, फरिश्ता तो नहीं हम। हाँ जी। और ममता जो फिल्म उनकी एक बेहद तो स्टोरी के हिसाब से, उसके बारे में और विस्तृत आगे बात करेंगे। हाँ, तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत डुएट रफी साहब और आशा जी की आवाज में है, जो धर्मेंद्र और सुचित्रा सेन को और पृथ्वीराज हुआ था। तो गीत सुनकर आपको ऐसा महसूस होगा कि हम कहीं वादियों में घूम रहे हैं, हरी भरी वादियों में, पहाड़ियों में, क्या बात, हाँ पहाड़ियों में ऐसे घूमते हुए ऐसा ऐसा नजारा है। और वैसा ही सिचुएशन फिल्म में भी है और वैसी शब्द रचना मजरू साहब की है, उतनी खूबसूरत धुन दर्शन सामने पेश में। तो विनय जी मैं बहुत बोल चुका हूँ, तो यहाँ पर हम ये डुएट का सेक्शन मेडली के रूप में जरूर सुनाएंगे, महेश जी ने जो किया है। जरूर, महेश जी को फिर एक बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो अपने मेहनत से ये मेडली हमारे लिए पेश किया है। तो सुनाते हैं लोगों को, हमारे श्रोताओं को, एक खूबसूरत मेडली रोशन साहब के संगीत का। के पास तेरे
अजीत जी, बहुत बहुत ही खूबसूरत गीत। आपने जैसा कहा, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया, जैसे फ्लूट को उन्होंने इस गाने में यूज किया था, लास्ट जो गाना है वो तो फ्लूट का एक पीस है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने रखा हुआ है इस पीस को, उस गाने को। बिल्कुल। और ये ममता का जो खास गीत था 1966 का था, हाँ जी, 1966 का ही एक अगला गीत हम सुनेंगे, जो अगले गीत के बारे में कहूंगा कि हर किसी के बचपन से जुड़ा हुआ एक गीत है। एक फिल्म आई थी जिसमें धर्मेंद्र और फेमिना टैगोर, देवेन वर्मा, शशिकला थे और मोहन टैगोर साहब निर्देशक थे। वो फिल्म थी देवर, हाँ जी, और इसमें आपका एक बहुत अच्छा अजीत जी, रोमांटिक गाना अजीत लग रहा है। जी, एक मिनट अजीत जी, अजीत जी, अजीत जी, बेगाना होता खुदाया साथ में बेगा, एक मिनट अजीत तो ये शमी कपूर जी के ऊपर, तो ये समय की पाबंदी की वजह से हम लोग अजीत जी, अजीत जी, एक मिनट अजीत जी, हेलो मक्की साहब ने इतनी खूबसूरत ढंग से अजीत किया जी, अजीत जी, एक मिनट, एक मिनट, आपका आवाज पूरा डिस्टर्ब हो रहा था, कुछ सुनाई नहीं है। दे रहा हेलो, है, आपका आवाज डिस्टर्ब हो रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा अच्छा था, तो आप, अभी ठीक है? हेलो, हाँ, आप जरा, मैं आपको बता दूं बीच में कि आपका आवाज नहीं आ रहा, तो आप जरा सा ध्यान दीजिए, आपका आवाज अभी वापस एक बार, वापस फिर से आपने जो कहा वो कहिए, क्योंकि कवर नहीं हुआ है उसको। हाँ, वो जो मैं हमारे बचपन की यादों से जुड़े हुए गीत के बारे में कहेंगे। एक फिल्म आई थी मोहन सहगल साहब जिसके डायरेक्टर थे, और शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र, देवेन वर्मा, शशिकला कारकाश्त थी। तो उसमें आनंद बख्शी साहब ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है बचपन की यादों का, अच्छा, और मुकेश जी की आवाज में वो गीत है। और मेरे ख्याल से बचपन की यादों का एक बहुत ही खूबसूरत ये गीत है, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे वो छोड़ के जाना और ना आना बचपन का। उसके अंतरे भी इतने खूबसूरत लिखे आनंद बख्शी साहब ने। हाँ और जी, आनंद बख्शी साहब का मैंने जैसे कहा कि रोशन साहब का और उनका नाता, सीआईडी गर्ल नाम की फिल्म आई थी 1958 में, वहां से उनका था। और फिर 1962 के जो अभी हमने जो भंगड़ा सुना वल्ला क्या बात, उसमें भी हाँ एक जी, गीत आनंद बख्शी साहब ने रोमांटिक गीत बहुत ही खूबसूरत लिखा था, गमे हस्ती से जब बेगाना होता खुदाया साथ में दीवाना होता। रमी कपूर जी के ऊपर फिल्म पिक्चर आ गया अच्छा था। था, लेकिन हाँ जी, समय की मर्यादा की वजह से हम यहाँ पर वो गीत नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दिनेश जी कहूँ कि मुकेश जी की आवाज में आनंद बख्शी साहब की ये खूबसूरत रचना और उतनी ही खूबसूरत रोशन साहब की तर्क जरूर सुनवाइए। इस देवर में और भी अच्छे अच्छे गाने थे, जैसे बहारों ने मेरा चमन लूट कर किसा को ये इल्जाम क्यों दे दिया। फिर क्या बात है, लता जी का एक गाना बहुत ही अच्छा गाना था, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। तो क्या बात है, ये ऐसी सब आनंद बख्शी साहब की खूबसूरत रचना है, जो हम तो आनंद बख्शी साहब को बहुत अच्छी तरह से बहुत जानते बहुत हैं, बहुत प्यार करते तो हैं। रोशन साहब के साथ में उनकी शब्द रचना कुछ अलग ही ढंग में पेश हुई थी। तो ये बचपन की यादों का भी जरूर सुनवाइए जी। अजीत जी, मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा, दोस्तों, ये जो भी हम सुन रहे हैं अजीत जी से, ये सब हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही डॉक्यूमेंट होने वाला है, ये सब यूट्यूब में हम स्टोर कर रहे हैं इसको। एक एक गाने जो अजीत जी बता रहे हैं, हमने बहुत सारे गाने सुने नहीं है, मगर एक से एक नगमे हैं, एक से एक बढ़िया कलाकृति है, जो बड़े बड़े कलाकारों ने बनाकर छोड़ दिए हैं। ऐसे गानों के बारे में अजीत जी जिक्र कर रहे हैं, आप श्रोता है, आप जानकार रखते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे गाने थे, तो इन गानों को नोट कीजिए और फिर एक बार वापस जब भी आपको वक्त मिले यूट्यूब में सुनिए। हम सारे गाने यहाँ पर बजा नहीं सकते, लेकिन अजीत जी जो भी कह रहे हैं वो सारे के सारे आर वर्थ टू बी नोटेड एंड केप्ट इन मेमोरी। थैंक यू अजीत जी, फिर एक बार। हाँ धन्यवाद। अरे विनय जी बहुत, लेकिन ये आपने सही कहा कि नई पीढ़ी में सुने ही नहीं है ना, तो सुनेंगे तो उनको जरूर मजा हाँ आएगा। जी, मैंने भी सुना नहीं है बहुत सारे गीत, तो आपके इस नॉलेज शेयरिंग से बहुत फायदा हो रहा है। और ये फिल्म वापस अजीत जी, धर्मेंद्र पर पिक्चराइज है और मुकेश साहब गा रहे हैं, बहुत ही हाँ रेयर कॉम्बिनेशन है फिर से। और 1967 का ये गीत है और ब्लैक एंड व्हाइट गीत है। फिर एक बार मेरे ये ख्याल से उस वक्त तो लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट पर ज्यादा भरोसा किया निर्देशकों ने, हाँ और नहीं, वो क्या था उस वक्त कलर फिल्मों में खर्चा ज्यादा हुआ करता था, खर्चा तो ज्यादा हुआ करता। ओके, जो प्रोड्यूसर बड़े होते थे तो उनकी कलर फिल्में आती थी, या फिर कुछ प्रोड्यूसर ऐसे थे खास गाने या फिर पाइप,
जैसे दारा सिंह के पिक्चरों में हम कभी जब दारा सिंह से रिलेटेड संगीतकार लक्ष्मीकांत तरेलाल जी और से बात करेंगे हाँ जी, तो वो कलर फिल्म में जो फाइट हुआ करती थी या फिर आखिर का जो क्लाइमेक्स या फिर खास गाने कलर में हुआ करते थे, तो उतना खर्चा बच जाता था। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पेश करेंगे जो 1960 की बरसात की रात
ये जो एक क्लासिकल गीत था, हाँ जी, जो टाइटल में ही है गाना, जिसे सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट जी ने गाया, कमल बारोट जी, हाँ, और एक बरसात की रात में तो वैसे तो कव्वाली का दौर ऐसा शुरू हो गया था कि कुछ कहिए मत, एक ट्रेंड सेट कर दिया था रोशन साहब ने कि और भी संगीतकार थे कि जिन्हें प्रोड्यूसर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर मजबूर किया करते थे, नहीं एक तो किसी तरह से कव्वाली डालो उसमें। अच्छा। तो इस तरह से कव्वाली भी सेक्शन में लिए, दिलीतों में दो कव्वालियां थी, एक मल्लाडे और आशा जी की, पर्दा उठते सलाम हो जाए, वो इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन सबसे जो फेमस हुई वो थी आशा जी की आवाज में, और नूतन जी का बेहतरीन अभिनय था, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। और उसके बाद में बहुत ही एक रेयर कॉम्बिनेशन रोशन साहब के साथ में है, जैसे रोशन, हेमंत कुमार और लता जी, तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, और जो एक कॉमेडी का अंदाज जो उन्होंने दूस का चांद फिल्म में आगा के ऊपर पिक्चराइज हुआ था वो गीत, तो उसमें मन्नाडे जी की आवाज है, और मन्नाडे जी की भी एक खासियत थी कि जो क्लासिकल कॉमेडी गीत थे वो खासकर कुछ आगा और महमूद पर पिक्चराइज हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा एक गीत पेश करेंगे, और अंत में जो गीत है वो शोभना समर्थ जी यानी नितिन जी की जो माता श्री थी, हाँ जी, हाँ, तो उन्होंने प्रोड्यूस की थी सूरत और सीरत, जिसमें शैलेंद्र जी की बहुत ही खूबसूरत रचना थी, हाँ जी, जो हमें उसकी शब्द रचना सुनेंगे तो हमें पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं उसकी शब्द रचना, बहुत दिया देने वाले ने जिसको आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए, इतनी अच्छी शैलेंद्र जी की शब्द रचना है, हाँ, और मुकेश जी की आवाज में मेडली सेक्शन के अंत में आप सुनेंगे, तो मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ महेश जी, तो ये मेडली यहाँ पर जरूर प्रस्तुत करें, महेश जी ने वो भेजी है, फिर एक बार महेश जी ने जो मेडली हमने हमारे लिए पेश किया है वो आपके सामने हम पेश करेंगे।
अजीत जी, बहुत ही खूबसूरत तराने आपने सुनाए, आपने और महेश जी ने। पर यहाँ पे एक जरा सा एक फरमाइश लेके आ रहा हूँ मैं। आप, हम जानते हैं कि आप सब गाने प्रिपेयर करके हमको लिस्ट देते हैं, और पर यहाँ पे एक फरमाइश है, अगर आपका इजाजत हो तो। रोशन साहब का संगीत, साहिर लुधियानी साहब का गीत, फिल्म का नाम चित्रलेखा, और बहुत ही खूबसूरत और मेरे को बहुत ही पसंदीदा ये गीत है, संसार से भागे फिरते हो। क्या ये गीत मैं बजा सकता हूँ लोगों के लिए? अरे जरूर जरूर। केदार शर्मा जी की फिल्म थी। हाँ जी। और उन्होंने चित्रलेखा पहले भी जो बनाई थी उसमें भी इसी सिचुएशन के ऊपर अलग गीत था ये गीत। तो इसमें वंदे खा संगीतकार थे। हाँ, तो एक यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, विषय निकला है। तो जब चित्रलेखा के जो जब रिकॉर्ड पहला गीत जब रिकॉर्ड हुआ, हाँ, तो रोशन साहब ने झंडेकार साहब और उनके जो गुरु थे, हाँ जी, उनके तस्वीर को हार पहनाया और पहला रिकॉर्डिंग किया था, और मेरे ख्याल से यही गीत पहला था। तो आपने जरूर ये बहुत अच्छा गीत सुना है। हाँ, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ये एक तरह का एक रेवोल्यूशनरी गीत है, क्योंकि देखो वैसे मैं खुद भगवान को मानता हूँ, मगर एक सोच होती है, वी हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द अदर साइड, कि वो क्या सोचते हैं। वो जो लोग हैं जो मौज मस्ती चाहते हैं, जो जिंदगी में हर तरह का लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो जो त्यागी होते हैं, उनके लिए वो बहुत ही उनको वो पसंद नहीं होता। तो ये गाने के द्वारा वो कह रहे हैं कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। यहाँ पे भगवान है, संसार में भगवान है, हर तरह का एंजॉयमेंट करो, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। इस तरह का गीत साहिर जी ने लिखा हुआ है। तो एक अगला एक अलग सा पेशकश है जो मैं लोगों को सुनाना चाहूंगा। देखो विनय जी के शब्द रचना हुआ करती थी, तो इसमें खासकर उन्होंने शुद्ध हिंदी में शब्द रचना की, शुद्ध हिंदी में शब्द रचना की है। तो श्लोक में भी अपना रखे वो पढ़ू, श्लोक में क्या अपना हो गया, क्या बात, बड़े अच्छे से सुना। और आगे भी उनकी जो इसमें जो मुखड़ा है, अंतरा है, हाँ, वो भी काफी काफी ध्यान देने जैसा है, और शायद मैं दो अंतरा यहाँ पे सुना लूंगा। ये जरूर जरूर। Yeah.
अजीत जी, हाँ ये मैं कहना चाहूंगा वापस 2 मिनट आपके, जो साहिद जी को हम मानना चाहिए क्योंकि क्या लिखा है उन्होंने, बिल्कुल, देखिए ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के आने क्या जानो, ना अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर तुम ठुकराओगे। रचना को अगर ठुकराओगे, देखिए शुद्ध शब्द हिंदी शब्द रचना सही है, दिया उन्होंने। सोच क्या है, देखो सोच क्या, देखो ये एक जस्टिफिकेशन है उन लोगों का जो एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, जो लाइफ में भोग लेना चाहते हैं। हाँ साहिद जी को इस गाने ने बहुत ही अलग लेवल पे लेके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें और भी एक बहुत ही फेमस गीत था यहाँ पर हम सुनवा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे श्रोताओं को पूरा मालूम है, हाँ जी, मन मेरे तू काहे न धीर धीरे, वो बहुत ही प्रदीप कुमार निर्मोही, यस, हाँ वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे, क्या और रफी साहब, शुद्ध रचना थी, बहुत खूबसूरत गीत है, तो रफी साहब का कोई भी हमारे प्रोग्राम, श्रोता जरूर सुनेंगे बाद में उसे। और ये चित्रलेखा जो भगवती शरण वर्मा जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे, उनके उपन्यास चित्रलेखा पर आधारित थी, हाँ जी, तो ऐसे ही एक उपन्यास के ऊपर 1966 में एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म आई थी, बहुत ही उसकी कहानी बहुत हिट हुई थी और फिल्म भी बहुत हिट हुई थी, और डॉक्टर निहार रंजन गुप्ता लिखित उपन्यास था उत्तरा फाल्गुनी, उसके ऊपर ममता नाम की फिल्म आई थी आप सभी जानते हैं, और जिसमें सुचित्रा सेन जी का डबल रोल था, माँ और बेटी का दोनों का, अशोक कुमार थे, धर्मेंद्र थे, और कालीपद चक्रवर्ती जो बंगाल के अच्छे थे, उनका जो विलेन टाइप का रोल था वो बहुत ही फेमस हुआ था, और मजरू साहब ने उसमें एक से एक गीत लिखे थे, जो कि उस जमाने में जो फिल्म क्रिटिक्स के रिव्यू में दिया था कि ऐसी बहुत कम फिल्में होती है जिनमें से सिचुएशन को नजर रखते हुए शब्द रचनाएं होती है, वैसे मजरू साहब की तारीफ की थी उन्होंने कि हर सिचुएशन के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत लिखा है, तो इसमें एक गीत था, रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके, फिर उसमें एक और गीत था, रहते थे कभी उनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, हाँ जी, बहते हैं उन्हीं के सूचे पर एक हम आज गुनेगारों की तरह, जो उसका प्रेमी कुछ वर्षों बाद मिलता है, तो वो उस सिचुएशन में वो तवायफ के मुंह से वो प्रेम ने भी एक्टिंग बहुत बढ़िया की है, तो ये जो वन ऑफ द बेस्ट है रोशन साहब की, और उन्हें बहुत कम फिल्में ऐसी मिली थी जो बॉक्स ऑफिस हिट हुई थी, हाँ जी, जैसे बरसात की रात, ताजमहल या ये ममता, तो इनके गीत बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे लिखे थे, और मैं धरोहर के श्रोताओं से कहूंगा कि ममता फिल्म अगर आपको देखने को मिले तो जरूर देखिए, और एक्टिंग स्टोरी एज वेल एज म्यूजिक तो रोशन साहब का खूबसूरत था, मधुर साहब के गीत थे, तो विनय जी मैं कहूंगा कि रहे न रहे हम महका करेंगे ये गीत आप हमारे, हाँ जी, जरूर हम अपने श्रोताओं के लिए बहुत खूबसूरत गीत सुनाएंगे। हेलो, हाँ हम लोग, हम जरूर हमारे श्रोताओं को ये बहुत खूबसूरत गीत सुनाएंगे। लता जी, रफी साहब और सुमन कल्याण, मेरे 2 वर्जन है इस गाने के, एक लता जी का हाँ सोलो है और रफी साहब और सुमन कल्याणपुरी जी का हाँ वो ग्रुप है। बाद में है, हाँ करेक्ट, जी ठीक है, मैं आपको मैं सुनाना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, 1 मिनट। बनके सबा
हाँ जी अजीत साहब, हमने अजीत साहब से हमारा लिंक टूट गया है, हम वापस उनको जोड़ना चाहेंगे। हेलो विनेश जी, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हुआ था, तो हम आखिरी भाग की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तुम्हें क्या करती हो बोले? हम अपने श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं, फिर एक बार जुड़ेंगे हम आपके साथ कुछ ही अंतराल के बाद। अजीत जी को हम लाइन पे वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो, हाँ अजीत जी आप सुन, हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, हाँ एक मिनट। हेलो, अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ आ रही आ रही। हाँ जी ठीक है, हम आखिरी गाने की तरफ चलते हैं। अजीत जी हमने रहना रहे सुना, लोगों ने भी सुना। हाँ, वो ये ममता फिल्म थी जो आसिफ सेन डायरेक्टर थे, और आसिफ सेन जी की एक और एक फिल्म आई थी जो दुर्भाग्यवश रोशन साहब की अंतिम फिल्म कहा जा सकता है उसे, अच्छा। अनोखी रात। और एक प्रोड्यूसर थे वो, मतलब ये 16 नवंबर 1967 की बात है। हाँ जी। वो हरिवालिया जो प्रोड्यूसर जो खास उनके रोशन साहब के थे, तो उनके यहाँ वो डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, और उस वक्त किसी बात पे जोक के ऊपर हंसते हंसते दिल का दौरा पड़ा, और वहीं पर हमारे रोशन साहब गुजर गए। बहुत ही दुर्दैव। और बहुत और उस अनोखी रात के कुछ गीत हो चुके थे, लेकिन एक जो खास गीत था उसकी धुन तैयार थी, लेकिन वो बाद में उनकी जो पत्नी थी हीरा नागरथ, हीरा रोशन, उन्होंने वो एसोसिएट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने वो गीत पूरा किया था। और बाद में जो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक था वो सलील दा ने उसका पूरा किया गया था। अच्छा। और एक फिल्म उनके हाथ में थी, उसका नाम था दूर नहीं मंजिल, जो बाद में 1973 में रिलीज हुई थी, लेकिन एक ही गाना उसका रिकॉर्ड हुआ था। हाँ, जो सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में था, लिए चल गुड़िया, इंदिवर जी का लिखा हुआ था ये गीत। हाँ, और बाकी सभी गीत फिर शंकर के किशन ने दूर नहीं मंजिल के पूरे किए थे। अच्छा। और ये अनोखी रात का ये जो गीत था, इसकी तर रोशन साहब ने इतनी खूबसूरत बनाई थी, मुकेश जी की आवाज में, जो आज की पीढ़ी को भी ये गीत पूरा बेहद ही पसंद है। हाँ, तो इस रोशन साहब की बाबा वाले पूरा करने जा रहे हैं और अंतिम चरण पर आ चुके हैं, तो वही गीत विनीत जी जरूर पेश कीजिए, और एक पल मिले नदी के जल में। और संजीव कुमार जी को पर ये पिक्चराइज हुआ था जी, कैसे भूलेंगे हम संजीव कुमार जी पर पिक्चर, हमारे हरी भाई, बहुत ही मजे हुए कलाकार। और आपने जैसा कहा रोशन साहब, एक बहुत ही सुहाना सफर रहा उनका संगीतमय, और आपने जैसा कहा कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, हम याद करेंगे, हम श्रद्धांजलि देते हैं सभी कलाकार, सभी संगीतकार और गीतकारों को जो इस कड़ी में जुड़े थे, और इस गीत के माध्यम से हम इस स्पेशल एपिसोड का समाप्त करेंगे। लोगों को हम कहेंगे कि आज दुनिया में बहुत ही हालत ख़राब है, खासकर भारत में, और चारों ओर दुख का वातावरण है, मगर फिर भी हमें, हमारे पास जो ये धरोहर है, हमारे पास जो संगीत का ये एक धरोहर आप हमारे पास रखा हुआ है, उसको लेके हमें जीना है, और फिर हमें उम्मीद रखना है कि अच्छे दिन वापस आएंगे, और हम सब वापस फिर एक बार लाइव प्रोग्राम्स करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, और इस गीतों का
का सिलसिला, गानों का सिलसिला, संगीत का सिलसिला चलता रहेगा, यही उम्मीद है और यही प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। आप सब सेफ रहिए, जहाँ पे भी रहेंगे सलामत रहेंगे, अच्छी तरह रहिए, और आप सब और आपके कुटुंब को, आपके फैमिली को के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और इस गीत बहुत ही खूबसूरत गीत से इस कार्यक्रम का समाप्त करता हूँ। आप सबके लिए ओहरे ताल मिले नदी के जल से, अनोखी रात का ये गीत, फिर एक बार रोशन साहब का संगीत। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे आपको एक नए संगीतकार के साथ। अजीत जी हमारे साथ बने रहेंगे। आप सबको फिर एक बार मंगलमय शुभकामनाएं।